कि उसने पीड़िता को थाने बुलाकर जमकर पीटा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून का राज कैसे कायम रहेगा। कानपुर के नवाबगंज थाने में तैनात एसओ उदय प्रताप यादव ने पहले तो एक छात्रा को शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप किया और जब उसने विरोध करना शुरू कर दिया तो थाने बुलाकर उसके साथ मारपीट की। और जब पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की तो एसओ साहब छुट्टी लेकर परिवार सहित फरार हो गए। आरोपी थानेदार उदय प्रताप यादव शादीशुदा है, साथ ही उसके 3 बच्चे भी हैं। हमको उससे शादी अब करनी है, उसने मुझे धोखे में क्यों रखा? वो 2 बच्चे का बाप था, मुझे अंधेरे में रखा। जब मुझे पता चला तो कहता मेरी बीवी किसी और के साथ उसके संबंध है। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी थानेदार ने अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ दूसरी शादी करने की बात कही थी, लेकिन जब पीड़िता को अपने साथ हुए धोखे और उदय प्रताप की सच्चाई का पता चला तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही उसकी पत्नी से भी पूरे मामले की शिकायत की और यही बात आरोपी को नागवारा गुजरी, जिसके बाद उसने मानवता की सारी हदों को पार करते हुए परिजनों के साथ मिलकर थाने के अंदर पीड़िता को जमकर पीटा। अभी इस तरह की जानकारी मिली थी, मैं भी स्वयं थाने पर आया, लेकिन अभी यहाँ पता चला है कि लड़की यहाँ से जा चुकी है। इस पूरे प्रकरण की विधिवत जांच कराई जाएगी और ये भी पता करने का प्रयास किया जाएगा कि लड़की कौन है। अगर मामला सही पाया जाता है तो फिर सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अपने साथ हुई मारपीट और जाति के बाद पीड़ित लड़की बुरी तरह सहमी हुई है, साथ ही उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया है। हालांकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से तमाम पुलिस वालों की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट की गई, उसको देखते हुए कार्रवाई की उम्मीद करना भी बेमानी नजर आता है। अनुराग अग्रवाल, कानपुर, इंडिया वॉइस।